भूखा नहीं मैं कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना, चपटना पलटना पलट कर चपटना। एलम फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात थे। पैराग्लाइडर्स की शानदार परफॉर्मेंस और फ्रंटियर कोर की मार्शल डांस पार्टी के खटक डांस को हाजरीन ने खूब सराहा। हम पहुंच चुके हैं एलम बार, यानी एलम टॉप। चारों तरफ आपको बुलंद उबाला पहाड़ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ही दो दिन का जो फेस्टिवल का आगाज किया गया था। एक दिन हम थ्रू आउट जो सफर करते हुए आए इस्लामाबाद से और मर्दान से होते हुए, अब यहाँ पर ड्राइवर हजरात पहुंच चुके हैं मोटर बाइक के, जो थ्रू आउट सफर करते हुए हमारे साथ मर्दान से आए, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा इंतजामिया के लोग होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप हमारे साथ रहें। जी पहुंच चुके हैं डॉक्टर उमर साहब भी इस ऑफ रूट ट्रैक से मोटर बाइक ड्राइव करते हुए नीचे बुनेर से एलम तक, और किस किस्म का इनका एक्सपीरियंस रहा है वो ही हमारे साथ शेयर करेंगे। जी उमर साहब बताइएगा ज़रा। बस जी कमाल का था, और सबसे बड़ी बात ये पहली दफ़ा हमने देखा, इट वॉज ब्यूटिफुल। ज़रा वाइंडिंग था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मगर इस चैलेंज में ही सारी ब्यूटी होती है और सारी खूबसूरती और सारा चार्म और थ्रिल जो है वो इसी में। मगर डेंजरस नहीं था, ऑल्दो मैं समझता हूँ कि ज़रा सा अगर मिट्टी को कंपैक्ट हो जाता बेहतर होता। मेरा ख्याल है हमारे 110 बाइकर्स में से किसी को कोई इतना मसला नहीं हुआ, और अगर होता भी है हम एज ए रूल एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और जब हम हेल्प करते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए। इसके अलावा और क्या मैसेज देंगे जी टूरिस्ट को? ज़्यादातर टूरिस्ट को मैं कहूँगा यार आप दुनिया देखो। वो कहते हैं ना, हज़रत अली फरमाते थे कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। आप मुझसे पूछें तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में खुदा को उसकी तख्लीक से पहचाना, और जब मैं इन इलाकों में जाता हूँ और पाकिस्तान यार मैं 65 साल से देख रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब और हर दूसरे दिन। अब आपने हमें एक नई जगह दिखा दी, अब यहाँ मुझे दोबारा भी आना पड़ेगा इंशाल्लाह। और जो आपने इसकी तारीख मुझे बताई जिसमें कि हिंदू धर्म की मतलब बुनियाद यहाँ से होती है, हमारे लाहौर शहर का नाम जिस शख्स के ऊपर है वो यहाँ पैदा हुआ था, तो उसके बाद तो मुझे मज़ीद इसकी इन्फैचुएशन हो गई। सो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना इंजॉय करें और पाकिस्तान खूबसूरत को देखें और खूबसूरत पाकिस्तान से प्यार करें, और आप आते रहें इन पहाड़ों को इंजॉय करते रहें, पहाड़ों का सफ़र। इसके अलावा भी और इंटरेस्टिंग एरिया आपके लिए लेके आएगा जहां पर आप लोग विजिट कर सकेंगे। कुछ जीप वाले भी हैं जी, उनसे भी बात करेंगे थ्रू आउट इस ऑफ रूट ट्रैक से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आए चलते हैं ज़रा जीप वालों के पास। जी इस्लामाबाद प्रेस क्लब से जब हम निकले तो हमारे साथ एक इस जीप रैली की सबसे पुराने मॉडल की जीप ही हमारे साथ थी, और वह इन पहाड़ों से सफ़र करते हुए आप एलम टॉप तक पहुंच चुकी है, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। जी शिजाजती नाम है मेरा, और मैं इस्लामाबाद जीप क्लब से हूं। और कलाम सतीश साहब बताइएगा सबसे पहले अपनी जीप के बारे में, ये कौन सा मॉडल है और कब से आपके पास है? ये 1950 मॉडल जीप है जी, और ये मेरे पास तकरीबन 12-13 साल से है, और ये पहली जीप यहाँ पहुँची है आज सुबह। तो हम कल स्टार्ट किया था हमने आपके साथ ही प्रेस क्लब से, और ये इस जो ऑफ रोड ट्रैक है इसको हम यहाँ अबूर करते यहाँ पहुँचे। बहुत आउट क्लास ऑफ रोड ट्रैक है यहाँ, यहाँ आने के लिए आपको मैं कहता हूँ कि सबको आना चाहिए यहाँ। इसमें अल्ट्रेशन इसका गेयर है वो रॉकी जीप का है, और टायर्स इसमें हमने थोड़े से बड़े डाले, लिफ्ट डिफ्लॉग है इसमें, और इस हिसाब से हम कहीं नहीं रुके और बस आते गए हम यहाँ। तो इन्जॉय किया आपने? बहुत इन्जॉय किया, और हम सबसे कहेंगे कि पाकिस्तानियों से कि यहाँ ज़रूर आए, ये बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान आर्मी ने इसको अभी डेवलप किया है और अभी अंडर डेवलप भी है, लेकिन यहाँ आए आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ऑफ रोड ट्रैक पर आप बुनेर से ऊपर आते हुए आपको कैसा लगा? अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं तो मुझे टूर का मज़ा ही वहां पे आने लगता है जब ऑफ रोड आता है। ऑन रोड इज़ लाइक कि हम लाहौर में बाइक चला रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जब आते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है, और ऑफ रोड यहाँ पर अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऑफ रोडिंग करने का मज़ा आया, और मेरे लिए यानी यूज़फुल चीज़ें थी, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप क्या कहेंगे जी, नाम बताइएगा अपना? मेरा नाम मिसेस रैना है, मैं इनके साथ आई हूँ, और ये मेरा फर्स्ट एडवेंचर है विद हस्बैंड।
इससे पहले मैं कभी भी नहीं और वो भी बाइक पर और वो भी बाइक पर और उस जगह पर आई है जो एक टाइम में मिलिटेंट का हब रहा है। हाँ जी, लेकिन अच्छा लगा, अच्छा था। डर खौफ कुछ थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इन पे बहुत ट्रस्ट था। बाइक कौन सा था जिस पर सफर करते हुए? सर वाई भी आ रही था मेरे पास भी, और मेरे पास ब्लैक था। ऑफ रोड ट्रैक से आते हुए सर, जहाँ पे पानी था वहाँ पे एक आधी मरतबा कह लो स्लिप होता है क्योंकि मड वगैरह की वजह से, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप गिर जाएं या कोई वो चीट है। अब जो भी चीज़ है आपने नी पैड्स वगैरह अपने सेफ्टी गियर्स पूरे करें, उस हिसाब से आप आए, कोई एक्सपीरियंस कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, आप जरा सा नेचर से हटेंगे तो ही लाइफ का मजा आएगा, वरना तो रोबोट की तरह सारे उठ के काम पे चले जाते और वापस आ जाते हैं। लाइफ में मजा ही मेरा नाम मिसेस फहादा है, लेकिन बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया, एडवेंचरस है तो, लेकिन लड़कियों को आना चाहिए, कोई नहीं गिरता, गिराते पहुंच ही जाता बंदा, लेकिन ये भी एडवेंचर है, एक एक्सपीरियंस हो जाता लाइफ का। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लेकिन मज़ा आया, अच्छा।